हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सबसे बड़ी समस्या पेरोल को कैलकुलेट करते समय होती है टैली के अंदर। और टैली में ये पेरोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए और कंपनी आपके पास बनी ही होगी और यहाँ पर आपको नजर आएगा क्या, क्रिएट। तो क्रिएट ऑप्शन पर जैसे ही जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपका पेरोल मास्टर शायद एक्टिवेट ना हो या आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, तो यहाँ शो मोर पे जाइएगा और अगर फिर भी ना दिखाई पड़े तो शो इनएक्टिव पे चले जाइएगा। तो बस यहाँ नीचे आपको पेरोल मास्टर दिखाई पड़ेगा, अगर ये हाईलाइट ना हो तो इसको डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्प्लॉय की कैटेगरी बनानी है। जैसे मान लीजिए इम्प्लॉय कहाँ का है, किस फील्ड का है, ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरी बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मैनेजमेंट कर देता हूँ, मैनेजमेंट इस तरीके से लिख दिया मैनेजमेंट। तो ये एम्प्लॉय जो है मैनेजमेंट के कैटेगरी का जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, और बाकी को एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, यही आपको करना है, ठीक है। इसी तरीके से एम्प्लॉय का ग्रुप भी बना सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय क्रिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ग्रुप बनाया वो ग्रुप जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैनेजमेंट मैंने बनाया है तो मैनेजमेंट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, सेल्स भी बना रखा है। जैसे मैनेजमेंट बनाया हमने, बना करके आपको दिखाया तो मतलब ऐसे बनेगा, वैसे ही आप सेल्स भी बना सकते हैं। तो मैनेजमेंट और सेल्स दोनों बना लीजिएगा, और भी चाहे तो और भी बना सकते हैं। तो चलिए इस बार मैनेजमेंट लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ गौरव तिवारी, ये एक नाम हमने डाल दिया है, एंटर किया। यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी आ रहा है, ठीक है। तो नीचे जब आएंगे तो यहाँ प्राइमरी दिखाई पड़ेगा क्योंकि ग्रुप हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो चाहे तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल इसको प्राइमरी रखते हैं। और यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर आपको सैलरी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो डेट चेंज कर सकते हैं, जिस भी डेट पे आपको सैलरी देनी हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको मई की सैलरी बांटनी हो, देनी हो, तो यहाँ पे मई वाली डेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये मई वाली डेट कर दिया हमने। यहाँ पर आप सैलरी की डिटेल को डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ से यस करके इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने बेसिक पेहेड बना रखा है, बेसिक सैलरी, डीए, ओवरटाइम, पीएफ, टीए, तो इसको मैं लगा देता हूँ। जैसे बनाएंगे कैसे, यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले देंगे बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि बेसिक सैलरी का ग्रुप वगैरह हमेशा कंफ्यूज रहेंगे आप। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक सैलरी, ये देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो मैं इसे एक काम करता हूँ, यहाँ पे वन कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। एंटर किया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर कई ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल, तो नॉट एप्लीकेबल तो रखना ही नहीं है। तो डिडक्शन फ्रॉम इम्प्लॉयज, तो डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, इम्प्लॉय की सैलरी से कुछ काटा जा रहा है, तो नहीं, तो यहाँ तो सैलरी दिया जा रहा है, तो सैलरी जब दिया जाएगा तो ये क्या होगा, ये अर्निंग होगा। तो यहाँ पर आपको ग्रुप क्या रखना है, अर्निंग रखना है। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, फिक्स्ड है और वेरिएबल है। तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का अर्थ अलग अलग है, क्या है समझिए। जैसे क्या होता है कि सरकारी काम में कई बार दिहाड़ी मजदूर काम पे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं पर डे के हिसाब से काम करते हैं, तो उनमें वेरिएबल होता है कि उन्होंने आधे दिन काम किया तो ये मिल जाएगा, पूरे दिन काम किया तो ये मिल जाएगा, तो वेरिएबल होता है वहां पे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मामलों में फिक्स्ड ही रहता है ये। जैसे मान लीजिए अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हो तो आपको मंथ की सैलरी मिलती है, पर डे की तो मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो हालांकि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि पर डे का कितना आ रहा है, लेकिन एक बार में मंथ की सैलरी दी जाती है, लेकिन उन लोगों को पर डे सैलरी दी जाती है, ठीक है। जैसे एक दिन काम किया तो उनको 500, 1000, 2000 जितना भी उनका बना उनको दे दिया इस तरीके से, ठीक है। अब अगला जो होता है वो होता है ग्रुप। तो ग्रुप यहाँ से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको ग्रुप शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखना है। क्या रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दीजिएगा, और यहाँ पर बेसिक सैलरी वन किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर क्या करना है इसको, यहाँ पर ऑन अटेंडेंस रखना है। क्या रखना है, ऑन अटेंडेंस, ठीक है। क्या रखना है, ऑन अटेंडेंस। तो यहाँ अटेंडेंस के आधार पर जो है हम पैसा देंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप एब्सेंट हुए तो वहां पर भी आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉट है। अब देखिए ये क्या है, लिस्ट ऑफ अटेंडेंस, और यहाँ लिखा हुआ है लीव विथ पे, यानी कि अगर आप छुट्टी लेते हो तो इसकी क्या स्थिति बनेगी। तो इसको हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल छोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे तो अल्ट सी करके आप लीव बना लीजिएगा, एक लीव नाम से, या मैं दिखाता हूँ कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया लीव विदाउट पे, चलिए इसी नाम से बना लेते हैं, और एंटर किया। और यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये डेज ही रहेगा, ठीक है ना। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब कैलकुलेशन पीरियड किसके हिसाब से रहेगा, तो भाई हमने अभी बताया कि हमको मंथली सैलरी प्रोवाइड होगी,
तो यहां पर मंथ रहेगा और इसे हम एज अ कैलेंडर पीरियड देखेंगे और यहां पे नॉर्मल राउंडिंग करके और इसे अप करा लीजिए एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब सैलरी कितनी बनी इनकी, तो जैसे मान लीजिए सैलरी बनी इनकी 22,000 रुपए, एक महीने की सैलरी कितनी है बेसिक सैलरी, तो 22,000 रुपए, तो ये 22,000 डाल दिया, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप टीए डीए एचआरए या ओवर टाइम, तो देखिए ओवर टाइम भी बना रखा है, तो ओवर टाइम के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से बना देता हूँ, ओटी कर देता हूँ, ठीक है, ओटी ओटी यानी ओवर टाइम, ठीक है। अब ये ओवर टाइम जो होगा वो अर्निंग ही होगा, ये तो क्लियर है, ठीक है, लेकिन अर्निंग किस टाइप का होगा, ये फिक्स्ड नहीं होगा, ये तो वेरिएबल होगा, ठीक है, वेरिएबल होगा या फिक्स्ड भी कह सकते हैं आप, तो फिक्स्ड रखेंगे तो किस प्रकार से रखेंगे उसको देखना होगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ऑन प्रोडक्शन करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा ऑन प्रोडक्शन, ठीक है, और यहां पर मैंने बना रखा है आवर्स, ठीक है, तो आवर्स के हिसाब से ये चलेगा और एक आवर में कितना इनको मिलेगा वो आपको यहां पर जब आप ये यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको देना होगा, ठीक है। तो यहां पर एक आवर का कितना मिलेगा उनको, 200 रुपए मिलेगा, कितना मिलेगा 200 रुपए, एक आवर का कितना मिलेगा 200 रुपए, तो कितना इन्होंने ओवर टाइम किया देखना होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहां पर ये देखिए डीए दिया गया है, तो मैं यहां पे डीए के बजाय यहां ट्रेवलिंग अलाउंस कर देता हूं, ट्रेवलिंग ALLOWENCE ट्रेवलिंग अलाउंस कर दिया, ठीक है। और यहां पर आते हैं तो यहां पर ट्रेवलिंग अलाउंस भी तो अर्निंग ही होता है और ये भी फिक्स्ड ही रहेगा कि हर महीने इतना आपको ट्रेवलिंग दिया जाएगा चाहे जो भी करिए आप, ठीक है, आप चाहे तो वेरिएबल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसे रखेंगे ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, ये रख लिया, एंटर किया यहां पर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला डालेंगे, क्या डालेंगे, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, ठीक है। हम बेसिक सैलरी 1 को लेके चलेंगे और अगर बेसिक सैलरी कितनी हो 20,000 तक हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 20,000 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे परसेंटेज और वैल्यू दोनों आ रहा है, तो फिलहाल हम परसेंटेज सेलेक्ट करते हैं, तो बेसिक सैलरी का 2% क्या मिलेगा, टीए मिलेगा, ठीक है, और उससे चाहे जितना ऊपर हो तो उस पर कितना मिलेगा 3%। अगर आप और भी क्राइटेरिया देना चाहते हो तो यहाँ 20,000 से लेके 30,000, 30,000 से नीचे 40,000, ऐसे करके दे सकते हैं, ठीक है। एंटर करिए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये आपका टीए भी हो गया यानी ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया। अब पीएफ कटेगा, तो देखिए पीएफ का बना रखा है मैंने ऑलरेडी, लेकिन आपको दिखाने के लिए एक बार और मैं बना लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं प्रोविडेंट फंड, क्या लिखेंगे प्रोविडेंट फंड, तो ये लिखा प्रोविडेंट और यहां पे लिखेंगे फंड FUND, तो प्रोविडेंट फंड हो जाएगा। और ये प्रोविडेंट फंड बिल्कुल भी कतई ये जो है अर्निंग नहीं होती है, ठीक है, ये क्या होता है, ये डिडक्शन होता है इसे, और डिडक्शन में जैसे ही डालते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है अलग अलग आपको ग्रुप्स नजर आएंगे, तो ये जो है करंट लाइबिलिटी होता है। अब ये कई बार सवाल उठता है कि जब ये कटता है तो करंट लाइबिलिटी क्यों, क्योंकि ये वापस मिलेगा हमें, इसी वजह से ये करंट लाइबिलिटी होता है। और यहाँ पे प्रोविडेंट फंड आ ही रहा है, ये देख सकते हैं कंप्यूटेड वैल्यू हमने कर ही दिया है और ये नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, अगर ये देखिएगा ये बेसिक सैलरी 1 के आधार पे ही कैलकुलेट होगी, तो यहाँ पर जो है मैं करता हूँ अगर 20,000 तक है तो कितना कटेगा 15% नहीं काटते हैं, चलिए 12% कर देते हैं, ठीक है, एक मैंने दिखाने के लिए दे दिया और अदरवाइज 20,000 से चाहे जितना ऊपर हो, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखता, हटा देता हूँ जो भी लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गए और यहाँ पर 15% कर देते हैं, तो ये कटेगा आपका, ठीक है, और ये प्रोविडेंट फंड है तो ये कटेगा, तो फिर दोबारा मिलेगा भी, ऐसा नहीं है कि कटेगा तो हो गया बस, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर आएगा, तो जो भी आपके एम्प्लॉय का नंबर हो, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय आईडी हो वो डाल सकते हैं। डेजिग्नेशन, ये क्या काम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए ये मैनेजर हैं तो यहाँ पे मैनेजर डाल दिया। फंक्शन मैनेजमेंट का देखेंगे तो जो भी फंक्शन ये करेंगे उसको यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है, तो वो सारी चीजें डाल करके यहाँ लोकेशन वगैरह भी डाल दीजिएगा, लोकेशन क्या है इनकी, जेंडर क्या है, ये तमाम चीजें डालते हुए आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर इनका पैन आईडी और बैंक की डिटेल भी डालना जरूरी है, तो यहाँ पे जो भी इनकी पैन आईडी है वो जरूर दे दीजिएगा। और यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया।
फिर यहाँ पर इनका जो भी आधार आईडी आता हो वो आधार आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है, और एंटर करते हुए अगर यूएन नंबर है तो दे दीजिएगा, और ये तमाम चीजें आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देने के बाद ये हो गया आपका, एक एम्प्लॉय का आपने बनाया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक एम्प्लॉय का बन गया। अब इनका अटेंडेंस जो है यहाँ पर आना होगा, ठीक है, अटेंडेंस के लिए, ठीक है, वाउचर में चलना है और यहाँ पे अदर वाउचर का ऑप्शन दिखेगा आपको। सबसे पहले हमें अटेंडेंस इनकी बनानी है, ठीक है, तो यहाँ आ गया अटेंडेंस पर, और ये गौरव तिवारी नाम है इनका, तो ये अटेंडेंस हम लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पर भी ऑटोफिल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप आते हैं और ऑटोफिल करना चाहते हैं तो यहाँ से अटेंडेंस को भी आप ऑटोफिल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 31 तक की सैलरी है, इनका जो कैटेगरी है वो मैनेजमेंट का है, और यहाँ पे गौरव तिवारी को ही दी जा रही है, मतलब अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। तो यहाँ पे लीव हमने बना रखा है लीव विदाउट पे, तो ये लीव विदाउट पे लगा दीजिए। कितने दिन ये एब्सेंट रहे वो यहाँ पे डाला जा सकता है, जैसे अगर ये 5 दिन एब्सेंट रहे हो तो 5 दिन की सैलरी तो कटेगी, ठीक है। अब ये अटेंडेंस का पूरा डिटेल आपने बना लिया, ठीक है। अब जब इनकी एंट्री आप पास करेंगे पेरोल वाउचर में, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से चलेंगे आप पेरोल वाउचर में। अब आ गया है वो समय कि हम सीधा चलते हैं कहाँ, पेरोल वाउचर में ये आ गए। अब यहाँ पर जो है कैश में मान लीजिए सैलरी प्रोवाइड करी जा रही हो, चलिए यहाँ पर ये हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, माइनस में जा रहा है, लेकिन चलिए अब उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर सीधा आएंगे कहाँ, ऑटोफिल पर। तो ये ऑटोफिल पे आते ही आपको पेरोल वाउचर नजर आएगा, और यहाँ पर हम सैलरी ही दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की सैलरी दे रहे हैं वो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। और ये बंदा कहाँ का है, मैनेजमेंट का है, नाम क्या है, गौरव तिवारी है, ये तमाम चीजें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। और ये कैश में सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी, उसमें से ये कट करके आ रहा है। और कट क्यों रहा है, क्योंकि एक तो प्रोविडेंट फंड कटा हुआ है, इनका कितना कटा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और भी तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो जो और उसके बाद एबसेंट भी है ये, तो एबसेंट है तो उसके वजह से भी कटा हुआ है कुछ सैलरी। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब इनकी पे स्लिप कहां दिखेगी, तो पे स्लिप देखने के लिए सीधा आ जाइए गेटवे ऑफ टैली के मेन मेन्यू पे। इसे टैली की गेटवे ऑफ टैली को टैली की मेन मेन्यू कहते हैं, और यहां से आइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, और यहां से नीचे आइएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा पेरोल रिपोर्ट। तो बस पेरोल रिपोर्ट पे आना है, पे स्लिप पे आना है, और यहां पर मैनेजमेंट का वो बंदा था जिसकी सैलरी हमें सैलरी स्लिप देखनी है, तो ये लीजिए सैलरी स्लिप हाजिर है आपके सामने। ये देखिए ये इनकी सैलरी स्लिप है, और यहां से आपको अल्ट पी करके एंटर करके इनकी सैलरी स्लिप को प्रिंट कर लेना है। हालांकि मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का प्रीव्यू आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अटेंडेंस डिटेल, 5 दिन की सैलरी इनकी कटी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा कि कितने दिन की सैलरी कटी है और किसका क्या आया हुआ है, ये तमाम जो है डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है।